बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का लेक्चर है मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम भी एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की टाइप होती है। जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन है वर्क करता है, उसी तरह सिंपल पेंडुलम भी उसी तरह काम करता है। इसकी फिगर कुछ इस तरह से होगी। सबसे पहले एक हमारी रिजिड बॉडी है, उसको हम फिक्स कर लेते हैं एक पॉइंट के साथ। लेट अस से कि ये हमारी बॉडी एट पोजीशन ओ ओरिजिन पॉइंट पे है, और इसकी जो टेंशन है वो अपवर्ड है, और इसकी जो लेंथ है वो भी इस पे कर रही है लेंथ। इसको एल के साथ जो डिनोट कर देते हैं, और इसकी टेंशन को हम टी के साथ। अब सबसे पहले हम बॉडी को इसकी मेन एक्सट्रीम पोजीशन पे लेकर चलते हैं। लेट अस से कि ये हमारी एक्सट्रीम पोजीशन है। इस पॉइंट को हम ए का नाम दे देते हैं। हमारी बॉडी ओ पर है, ओ पॉइंट पे थी, तो हमारी वो मेन पोजीशन पे जहाँ पे नेट फोर्स जीरो थी। अब हमने इस पे एक फोर्स अप्लाई कर दी है, एक नेट फोर्स अप्लाई की है, तो ये बॉडी हमारी ओ पोजीशन से ए पोजीशन पे आ गई है, यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन पे आ गई है। यहाँ पे हमारी नेट फोर्स अप्लाई की थी तो ये यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे आके ए पॉइंट पे आके हमने बॉडी को छोड़ दिया है, वह यहाँ पे रिलीज किया, तो बॉडी वापस रिवर्स फोर्स के वजह से टुवर्ड्स दी मेन पोजीशन मूव करेगी। जैसे ही बॉडी दोबारा इस पॉइंट पे आएगी तो ये यहाँ पे आके स्टॉप नहीं करेगी, ये यहाँ पे रुकेगी नहीं अपनी मेन पोजीशन पे, क्योंकि इसमें इनर्शिया मौजूद है। इनर्शिया की वजह से ये यहाँ पे आके स्टॉप नहीं करेगी, तो ये वापस मेन पोजीशन से भी पीछे इसे हम बी का पॉइंट नाम दे देते हैं, बी पॉइंट पे आ जाएगी। बी पॉइंट पे आके ये एक साकन हालत में आ जाएगी, जैसे कि इसकी इस पे फोर्स जीरो हो जाएगी, ये इस तरह से आ जाएगी। जैसे यहाँ पे बॉडी जो हम यहाँ पे ले गए, यहाँ पे जाकर हमने इसको छोड़ा, तो ये बॉडी ऐसे वापस रोटेट करना शुरू होगी। अब बॉडी ओ पॉइंट के इर्द गिर्द टू एंड फ्रो मोशन में मूव करना शुरू कर देगी, बी पॉइंट से ए और ए पॉइंट से बी, ओ पॉइंट पे नहीं रुकेगी। अब इसकी जो हमारे पास है इसका वेट जो ग्रेविटेशन की वजह से होता है वो एम जी डाउनवर्ड होगा, नीचे की तरफ होगा, और इसकी जो होगी एम जी साइन थीटा वो एक्ट करेगी एज ए रिस्टोरिंग फोर्स, और कॉस थीटा जो इसकी टेंशन होगी वो कैंसिल आउट हो जाएगी एम जी कॉस थीटा के साथ, जो इसको वापस पीछे लेने के लिए जाएगी। अब एम जी कॉस थीटा जो है वो रिस्टोरिंग फोर्स का काम कर रही है, जो बॉडी को वापस अपनी ओरिजिन पॉइंट पे लेके आ रही है, यानी कि वापस रिवर्स टाइप में लेके आ रही है। तो ये हमारी एक सिंपल सी डायग्राम है सिंपल पेंडुलम की। अब इसकी अगर हमने इसका टाइम पीरियड निकालना है, इस बॉडी का टाइम पीरियड का फार्मूला सिंपल होता है, ये हमारा टाइम पीरियड का फार्मूला होता है फॉर सिंपल पेंडुलम। अगर हमारे पास एक बॉडी मैस वाली बॉडी है जिसका मैस एम है, उसको हम कुछ इस तरह से करेंगे, ये मैस वाली बॉडी के लिए और ये लेंथ वाली बॉडी के लिए, ये सिंपल पेंडुलम का फार्मूला है। अब इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं, जैसे एक वाइब्रेशन होती है, टाइम पीरियड होता है, फ्रीक्वेंसी होती है, उसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे वो इस तरह करेंगे। सबसे पहले एक वाइब्रेशन है, वन राउंड ट्रिप अबाउट द वाइब्रेटिंग बॉडी इज कॉल्ड बाय वन वाइब्रेशन। मीन के ये बॉडी है, ये यहां लेके यहां तक आएगी, दोबारा पे आएगी, तो ये एक वाइब्रेशन इसने कंप्लीट कर लिया। वन राउंड ट्रिप अबाउट द वाइब्रेटिंग बॉडी इज कॉल्ड वाइब्रेशन, और टाइम पीरियड डेफिनेशन पहले लिख दूं, वाइब्रेटिंग
बी अबाउट वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी. ये बॉडी है जो वाइब्रेट कर रही है बी पॉइंट और ए पॉइंट पे. वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन. ये मेन पोजीशन है, ये बॉडी इसके इर्द गिर्द मूव कर रही है. तो ये मेन पोजीशन के इर्द गिर्द एक कंप्लीट राउंड ट्रिप को एक वाइब्रेशन कहेंगे. अब टाइम पीरियड है टाइम पीरियड. जैसे ये बॉडी एक कंप्लीट राउंड ट्रिप कंप्लीट करेगी, अपना एक राउंड कंप्लीट करेगी, उस टाइम को हम टाइम पीरियड कहते हैं. जिस टाइम में ये बॉडी यहां से लेके यहां तक अपना कंप्लीट राउंड करेगी, कंप्लीट करेगी, जो जिस टाइम में, वो टाइम हमारा टाइम पीरियड कहलाएगा. द टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड. टाइम पीरियड के अलावा फ्रीक्वेंसी होती है. द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर साइकिल ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी, द नंबर ऑफ साइकल्स ऑफ वाइब्रेशन पर साइकिल इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी. एक फ्रीक्वेंसी होती है, वाइब्रेशन, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी. ये इसकी कुछ बेसिक डेफिनेशन होती हैं. उसके बाद इसकी कुछ पास्टुलेट्स होते हैं कि ये बॉडी टू एंड फ्रो मोशन में मूव करेगी, अबाउट हमेशा बॉडी मूव करेगी टूवर्ड्स दी मेन पोजिशन. उसके अलावा ये एक सर्कल में मूव करेगी, इसकी जो मैस होगा वो टूवर्ड्स दी अर्थ होगा. ये इसकी कुछ बेसिक पोस्टुलेट्स हैं सिंपल पेंडुलम के. तो ये हमारा सिंपल पेंडुलम था. सिंपल पेंडुलम भी एग्जिबिट एज ए सिंपल हार्मोनिक मोशन. सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरह ये काम करता है. इसका जो फार्मूला था टाइम पीरियड का वो ये होता है. ये सिंपल हार्मोनिक का फार्मूला फॉर टाइम पीरियड का होगा. तो ये बॉडी हमारी होगी. तो ये उसके बाद हमने किया था कि ये कुछ बेसिक डेफिनेशन, वाइब्रेशन, टाइम पीरियड, फ्रिक्वेंसी, और उसके बाद उसके कुछ सम पास्टुलेट्स होते हैं जो हमने आज.